नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माँ नेपुरा नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है और ये झारखंड से आई है जेट नोटिफिकेशन 2024। यहां पे सिर्फ अगर आप पीजी पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बिना नेट और बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना साकार हो सकता है। टोटल 43 सब्जेक्ट में यह जेट एग्जाम होगा और देखिए, इसी जेट के आधार पे झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वहां पर पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। और आपको पता है झारखंड सरकार की एक फेलोशिप भी योजना चल रही है, जहां पे पीएचडी करने के बाद आपको कुछ अमाउंट 10 से 12 हजार का अमाउंट जो है पर मंथ, बिना नेट के इस परीक्षा को पास कर लेते हैं या पीएचडी करते हैं झारखंड के यूनिवर्सिटी से, तो फेलोशिप आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के हैं, जैसे नेट में कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई एज लिमिट नहीं, किसी भी उम्र के हैं आप जेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं झारखंड एबिलिटी टेस्ट के लिए। यह परीक्षा जो है तो पहले एनटीए को जिम्मेवारी देनी दी गई थी, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसकी स्थिति भी अभी ठीक नहीं चल रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। तो अब जो है सो ये झारखंड सरकार की बॉडी कराएगी, जेपीएससी कराएगी या जेएसएससी कराएगी, ठीक है, तो उनके पास तो ऑनलाइन लेने का कोई संसाधन उतना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब ये ओएमआर पर होगा यानी ऑफलाइन होगा। और साथियों, ऑफलाइन एग्जाम जो है जो सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। और उम्र सीमा की भी अब कोई बाध्यता नहीं रही है। राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जेट का स्कोर जो है सो आपको काम आएगा। जेपीएससी ने जेट परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है, अब ओएमआर सीट पर होगा एग्जाम, ठीक है। अब यह फैसला इसलिए लिया गया साथियों कि एनटीए ने मना कर दिया, ठीक है, जिसे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इसको करवाएगा, झारखंड सरकार का स्वीकार कर लिया है और कैबिनेट में बैठक देकर इसकी स्वीकृति करा दी जाएगी। और झारखंड में आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी इसलिए रुका हुआ है ताकि जेट का एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र नेट एग्जाम पास नहीं कर पाते क्योंकि वो कठिन होता है और उसमें जो कंपटीशन होता है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर पे उसमें प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट झारखंड के रहेंगे, कुछ अगल बगल स्टेट से रहेंगे, 90% तो झारखंड के ही रहेंगे, तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा साथियों, ठीक है, तो देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी ऑफलाइन किया गया है क्योंकि ऑनलाइन सेंटर की कमी है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति जो है हर जगह पहाड़ है, ये है, आने जाने का दिक्कत है, जिससे कमजोर नेटवर्क है, तो इन सब को देखते हुए इसको ऑफलाइन कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें न्यूनतम आयु भले रखा गया है 21 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम कोई आयु नहीं हो, किसी भी एज के भर सकते हैं। टोटल 43 विषय में इसका परीक्षा होगा और इस परीक्षा को अगर आप पास कर लेते हैं तो झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।